child sexual abuse. And today, assalamu alaikum guys, I am back again with the live session. As you all know, I am talking only about the child sexual abuse, and today I'm gonna talk child labor as well, because जो हमारे आज के guest हैं वो इसी चीज़ पे काम करते हैं. वो village to village campaigns करते हैं child labor को लेकर. so we will get to know कि उनका क्या ये contribution रहा है towards the society, towards the people. ठीक है. and also we will gonna talk about child sexual abuse. जो kindly आपसे अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बस शुक्र शुक्र सब ठीक. चलिए लेट्स हैव अ टॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. ऑल माय प्लेजर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो मच थैंकफुल टू यू बिकॉज़ यू गिव मी द चांस. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज वेरी ग्लैड व्हेन आई हियर फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब Nadia has started an organization. और उस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, दैट इज जो ना हमारी सोसाइटी में बहुत कम बात हो रही है इस पे. पता नहीं क्यों लोग क्या सोच रहे हैं, जिन पे जरूरी होनी चाहिए, मतलब especially when it's related to women और any मतलब problem related to women, चाहे उनकी health, mental health वगैरह, इससे बहुत कम बात होती है. And I am very thankful to you and I appreciate you for that, you take an initiative for that. Thank you so much. So, Mubashir, tell the viewers about yourself and your organization. Yeah, one thing, I will fix my camera first. Okay, sure. Am I visible to you? Yeah. Okay. Yeah, actually, my name is Mubashir Mushtaq. And I am currently pursuing my honors from SC College. Okay. And I have started a village to village campaign against child labor, and especially in the far flung areas. And I have started it from my town, my hometown Kufwara, because I जहाँ से आप जहाँ रहते हो आपको ज़्यादा पता होती है, आपको ज़्यादा नॉलेज होती है और अबाउट ऑल दीज थिंग्स क्या हो रहा है. And I have started this only because मैंने खुद से नोट किया. इवन आई एम नॉट मतलब मैं कोई फिलोसफर स्कॉलर अभी नहीं हूँ, बट स्टिल एट दैट एज मुझे लगा बट व्हाट शुड बी वी कैन डन फॉर द सोसाइटी. सो दैट्स व्हाई मैं जब डिफरेंट मतलब प्लेसेस पे जाता था, यूं ही मतलब जब हम इन जगहों पे फार फ्लंग एरियाज पे यूं ही हम पिकनिक के लिए जाते हैं, राइट? सो हम ऐसे नहीं जाते इन एरियाज पे. तो जब मैं अक्सर वहां हम जाया करते तो मैं देखता था बहुत मतलब बहुत छोटे बच्चे जो काम कर रहे हैं, इवन स्पेशली इन जो बेकरीज में काम कर रहे हैं या वो जो घोड़े वगैरह चलाते हैं उनमें काम करते हैं. सो उस टाइम मुझे बहुत फील होता था, बट आई मतलब मैं खुद से छोटा था, मुझे ये आइडिया नहीं आता था मतलब, और किसी को मैंने मतलब मेरी सोसाइटी में या मेरी एरिया में मैंने किसी को नहीं देखा है मतलब इसके खिलाफ बोलते हुए, मतलब चाइल्ड लेबर हो रहा है एंड ऑल दिस, कभी भी नहीं देखा. सो फिर मुझे मतलब मैंने खुद से रियलाइज किया दैट आई शुड स्टार्ट ए कैंपेन फॉर मतलब जो इनोसेंट चिल्ड्रन जिनका साथ जिनके साथ ही बहुत गलत हो रहा है. और मैंने मतलब उनके साथ फिर इंटरेक्शन स्टार्ट की, मैंने विजिट्स की डिफरेंट विलेज में मैं गया और इवन स्कूल में गया. तो डिफरेंट प्लेस पे मैंने वो स्टार्ट किया मतलब उनसे जानने की, मतलब मैंने पहले एंड मुझे मैंने क्या नोट किया बट आई मतलब जो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो कुछ भी समझते हैं, राइट? वो जो आप लोग बोलते हो ना वो समझ जाते हैं, बट डिफिकल्ट चैलेंजिंग आपके लिए क्या होता है, आपने खुद आप डिफरेंट प्लेस पे विजिट किया है, आपने देखा होगा पेरेंट्स को आप बहुत ज्यादा वो चैलेंजिंग होता है जब आप पेरेंट्स को आपको समझाना होता है. क्योंकि मुझे खुद से मैं जितने विलेज में मैं गया ऑलमोस्ट मैं बहुत जगहों पे गया कुपवारा में, बट व्हाट आई फील मुझे ये लगा मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल है समझाना, मतलब आप ये गलत कर रहे हैं इनके साथ, और वो खुद के लिए सोच रहे हैं, मतलब उनको अपना मतलब वो बेनिफिट लग रहा है उसमें, चाहे वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, उनको फोर्सफुली वर्क में जो मतलब भेज रहे हैं, और उनको ये बिल्कुल मतलब कॉमन सा लग रहा है, मतलब हमने किया है हमारे बच्चे भी करेंगे. क्योंकि मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स ज्यादा पेरेंट्स जब मैंने इंटरेक्शन की मेजोरिटी का यही था, मतलब ये नहीं करेगा, ये स्कूल जाएगा करेगा, हमारे साथ कौन आएगा, ठीक है?
क्योंकि उनको बकरियां वगैरह जंगल लेनी होती है। तो अक्सर पेरेंट्स सही है मतलब हाँ ये नहीं साथ आएंगे तो मैं बेटियों को कहाँ साथ दूंगा। तो दैट वाज अ चैलेंजिंग सिचुएशन मतलब इन जगहों पे जहां पे आप जाते थे। सो व्हाट वाज द रिस्पांस लाइक, अगर आपने आप अवेयर कैसे करते हैं स्टार्ट, लाइक पेरेंट्स को आप अवेयर करते हैं या एज वेल एज आप, या कैसे ये कैसे स्टार्ट होता है? जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैंने जब स्टार्ट किया मैं स्कूल में गया ठीक है, बट मैं उन स्कूल्स में गया, इवन एक मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में गया और मैं उन स्कूल्स में गया दैट कंप्लीटली ऑलमोस्ट 30, 40, इवन 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई टाउन, दैट चिल्ड्रन लैक बेसिक फैसिलिटीज, इवन कुछ जगहों पे आप 4G इंटरनेट क्या वहां आपको सीधे मतलब कीपैड फोन ही चल रहा है, आपका ओके नेटवर्क ओके नहीं चल रहा है एक मिनट, लेट मी इवन। इंटरप्ट यू, या वन सेकंड। कश्मीर में अभी भी वैसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी नेटवर्क नहीं है, राइट? एग्जैक्टली बहुत एरिया है लाइट लाइट आप लाइट है देखिए वहां पे? लाइट का भी आप देखिए मतलब आती जाती मतलब नॉट लाइक दैट ओके जैसे होनी चाहिए, मतलब किसी किसी मतलब टाइम पे आप नेटवर्क, पहुंचे बिल्कुल दिन में। नेटवर्क का कोई इशू नहीं, मतलब वहां पे नेटवर्क चलते ही नहीं है, लाइक फोन कॉलिंग एंड ऑल, वो हाँ सब ये वहां नहीं है? एग्जैक्टली आप जब इवन मैं एक प्लेस पे गया दैट इज ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम LOC, क्योंकि मैं ओके LOC ओके पे गया तो वहां पे ओके आपको नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है नेटवर्क, आपका फोन बंद हो जाता है जब तक आप वापस आ जाते हो मेन मार्केट में, उस टाइम वहां तक पे आपका फोन लोग बिल्कुल रहते बंद हो हैं, जाता है। हाँ लोग रहते हैं वही तो गया इसलिए, वरना मैं कहाँ जाता वहां, वहां लोग लोग रहते हैं रहते और हैं उनका फोन नहीं चलता है वहां पे? नहीं चल रहा है उस टाइम, उनको कॉल करने के लिए नीचे आना पड़ता है राइट, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको दिन में 2-3 घंटे आती है और शाम को 2-3 घंटे आती है। फाइन फाइन एंड फाइन फाइन मैंने उन्हीं एरिया से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे खुद से लगा मतलब क्योंकि हम वेरी यूं गुड ही मतलब आप देखिए सिटीज में या टाउन में अगर हम कुपवाड़ा टाउन देखते हैं वेल डेवलप्ड मतलब उन्हें ठीक ठाक है, मतलब उन बच्चों को मतलब वहां प्राइवेट स्कूल मिलते हैं, एजुकेशन आपको हर फैसिलिटी मिलती है। सो मैंने उन बच्चों को लिया मतलब दैट जो बच्चे जो मतलब दैट लैक बेसिक फैसिलिटीज ठीक है, जिनको मतलब बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जिनको ये पता नहीं, इवन इवन यू कांट इवन इमेजिन, मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिले जंगल जब मैं जंगलों में चल रहा था जिनके पास क्लोथ भी अच्छे से नहीं थे, और इवन इन रिसेंटली मैं गया था एक प्लेस पे जुलाई का टाइम इसी टाइम गया था, उनको मतलब जूतों मतलब जो जूते थे उनके वो विंटर के जूते थे लॉन्ग शूज लगा के थे, यार इतना फील होता है मतलब उनकी मतलब हाँ उनको स्वेटर लगा के ऊपर से जैकेट लगा के था, एंड उस बेसिकली मतलब उस बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है, उनको आप जैसे बोलते हो वैसे ही करते हैं वो मैंने नोट्स किया क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब ऐसे में मतलब यूं ही जब वो स्कूल के बगैर जब मैं जाता था जब मैं मतलब जब मैंने हाँ स्कूल क्योंकि आपको स्कूल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे उसके ऊपर स्कूल नहीं होते हैं LOCs में तो उनको बहुत नीचे आना पड़ता है इसके लिए, तो उन बच्चों को मतलब समझाना मतलब आप ये आपको पढ़ना चाहिए था वो बहुत छोटे हैं ठीक है थीके? तो फिर उनको बोलना आपके पेरेंट्स कहाँ हैं ठीक है, फिर जब मैं मतलब यूजुअली मतलब मैंने एक स्टोरी बोलता हूँ आपको, मैं जब मतलब यू ही में चल रहा था तो मुझे एक दो बच्चे मिले वो भाई बहन थे बहुत छोटे थे बहुत छोटे, इवन वो कुछ फर्स्ट और सेकंड में पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको बोला मतलब आप यहाँ से क्या कर रहे हो, वो खेल रहे थे यूं मतलब लेकिन बहुत दूर थे घर से ठीक है, और मैंने उनको बोला मतलब आप क्लास स्कूल वगैरह जाते हो ये कम्युनिटी क्लासेस आज लगते हैं वगैरह, तो कसम से वो बोल रहे हम लास्ट ईयर स्कूल गए हैं उसके बाद नहीं गए, मैंने बोला कुछ पढ़ते लिखते हो, इवन दे लैक मतलब उनके पास स्टेशनरी के लिए पेरेंट्स के पास नहीं अफोर्ड करते उनको,